देखिए दो खमन हमने पास साथ साथ रखे हैं और दोनों की हाइट सेम है। अब मैं एक को, एक किलो का मेरा शक्कर का डब्बा है, इससे मैं दबाती हूँ उसको वापस, ये इसी के बराबर देखिए पोजीशन में आ गया, नहीं दबा नहीं है बिल्कुल भी, दोनों की पोजीशन सेम। एक बार और बताती हूँ मैं आपको, देखिए इतना दबाव मैंने लगाया इसके, एक किलो का शक्कर का भरा हुआ डब्बा ये वापस इसी की तरह आ गया, कुछ भी दबा नहीं है ये, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट ढोकला बन के तैयार हुआ है। इस तरह के खमन ढोकला की रेसिपी बहुत साल पहले मैंने अपने गुजराती फ्रेंड से सीखी थी जो बहुत ही अच्छे ढोकले बनाती थी, तो उसने बताया था कि ढोकले बनाना बहुत ही आसान है पर इसके अंदर प्रोपोर्शन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उस समय से मैं अपने घर में इसी प्रोपोर्शन से ढोकले जब बनाती हूँ तो मेरे घर में बहुत ही अच्छे ढोकले बन के तैयार होते हैं। और इसी के साथ मैं इस ढोकले के साथ खाने के लिए आपको एक खमन चटनी बनाना भी बताऊँगी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ख़ास तौर से इस ढोकले के साथ में खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो आइए खमन ढोकला और चटनी बनाना शुरू करते हैं। खमन ढोकला बनाने से पहले हमें कुछ सामग्री को अच्छे से मिक्स करना है, इसलिए इसको हम पीस करके तैयार कर लेंगे जिससे इजीली काम बन करके तैयार हो जाएगा, हाथ से हमारे को ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हम 2 टेबल स्पून शक्कर ले लेते हैं। शक्कर से हल्का मीठा टेस्ट आता है इसमें खमन ढोकला में, आप तो जानते ही मार्केट से जब भी आप खमन ढोकला लेकर के आते हैं तो उसमें अच्छा मीठा टेस्ट आता है, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम साइट्रिक एसिड डाल देते हैं, ये नींबू का फूल है, इसके डालने का कुछ रीज़न होता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसी के साथ इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। इस समय मैं आपको बता देती हूँ जब भी आप ऑयल इसमें डालें तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला ऑयल नहीं डालें, जैसे कि सरसों का तेल है या मूंगफली का तेल, उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो उसका टेस्ट ढोकले के अंदर अच्छा नहीं आता, आप रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने का रीज़न ये होता है जब हम ढोकला बनाते हैं तो एक बार तो अच्छा फूला फूला बन जाता है, उसके बाद में कभी कभी बैठ जाता है, कॉर्नफ्लोर जब आप डालेंगे तो ढोकला ठंडा होने के बाद भी अच्छा स्पॉन्जी बना रहेगा। अभी सबको अच्छे से मिक्स करने के लिए इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देते हैं जिससे कि अच्छे सब मिक्स हो जाएंगे। ये हमारे को हाथ से करना पड़ता है पर मिक्सी के जार में आप करेंगे तो इजीली हो जाता है। अभी शक्कर साइट्रिक एसिड जो सब भी डाला है इसके अंदर, सभी इसके अंदर पानी के अंदर अच्छे घुल मिल गए हैं, ये अच्छा सा घुल बन के तैयार हो गया है। अभी हमने 1 कप बेसन लिया है, ये बेसन को हमने कप के अंदर अच्छे से दबा करके लिया है, यदि आप बेसन को दबा के नहीं लेंगे तो इसके अंदर लगभग 125 ग्राम बेसन आएगा, और दबा के लिया है इसीलिए इसके अंदर 150 ग्राम बेसन आया है। अब इस बेसन को हम छान करके यूज़ करेंगे, आप जब भी ढोकला बनाएं बेसन को छान के यूज़ करें। इस तरह से हम बेसन को पूरा छान लेंगे, बेसन छानने से क्या बेसन फ्लफी हो जाता है और इसके अंदर जो भी लम्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं, और जिस समय हम इसका घोल बनाएंगे तो उस समय घोल आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। भाई इसके अंदर ये जो गांठें हैं ना आराम से ये निकल जाती हैं, तो आप जब घोल बनाते हैं उस समय ये गांठें बीच में आती है, टूटती नहीं है। अभी हमारे बेसन देखिए एकदम से स्मूथ हो गया और खुला खुला हो गया पूरा। अभी जो घोल हमने बनाया है वो घोल थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देते हैं, एक साथ में घोल नहीं डाले आप, एक साथ में डालेंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएगी। अभी हमने 1/2 कप और पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। इसमें पानी का प्रोपोर्शन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें आपने थोड़ा पानी कम डाल दिया तो आपका ढोकला है वो सूखा सूखा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, और पानी आप ज़्यादा डाल देंगे तो ढोकला बहुत गीला हो जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा वो भी, तो इसलिए नाप बराबर रखना ज़रूरी है। अभी ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया है, ये हमने 1/2 कप लिया था, इसमें से 2 टेबल स्पून पानी हमारे बच गया है। ये घोल की कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का घोल होना चाहिए, देखिए आराम से ये गिर रहा है, देखिए एकदम फ्लोइंग है, ये ऐसा घोल होना चाहिए। खमन को पकाना शुरू करने से पहले जिस बर्तन के अंदर हम खमन बनाएंगे उसको ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं, उसको ग्रीस करना ज़रूरी है नहीं तो खमन अच्छे से नहीं निकलेगा। इसके नीचे भी अच्छे से तेल लगाएं और साइड में भी अच्छा तेल लगाएं, साइड में भी खमन के अच्छे से निकल सके। अभी हमने बटर पेपर लिया है, ये भी इसके नीचे लगा देते हैं जिससे आसानी से निकल जाता है। आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप बिना बटर पेपर के भी बनाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। तेल लगाने के बाद वहाँ पर आप थोड़ा सा आटे से ग्रीस कर ले जिससे क्या ये ढोकला है आराम से निकलेगा। अभी इसके साइड में भी हम इस तरह से बटर पेपर लगा देते हैं
और इस पर भी हम ऑयल लगा देते हैं, जिससे क्या ढोकला निकालने में आसानी रहेगी। इस तरह सब जगह हमने ऑयल लगा दिया है। ये हमारे जिसमें ढोकला बनाएंगे उसकी तैयारी हो गई है। बिखामन को पकाने के लिए हमने एक पैन लिया है जिसके अंदर 2 कप पानी डाल दिया है और इसके अंदर इस तरह से कोई भी रिंग रख देंगे। आपके पास कोई राउंड रिंग हो तो राउंड रिंग भी रख सकते हैं। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर भी बना सकते हैं, नहीं तो कुकर हो तो कुकर में भी बना सकते हैं। सब में आपको इस तरह से पानी डाल करके ये रिंग रखनी पड़ेगी, या एक कटोरी रख दें नीचे और उसके ऊपर कोई प्लेट रख दें और उसके ऊपर ये खामन का जो बर्तन होगा वो उसको रख देंगे। यदि आप कुकर के अंदर बनाए तो ये ध्यान रख के आप कुकर की सीटी और रिंग को निकाल दें। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी कढ़ाई में पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम बेसन को देख लेते हैं। तो बेसन के अंदर अभी मेन चीज़ हमारे को डालनी है, वो है मीठा सोडा। या मैं बता देती हूँ, मीठा सोडा आपको बराबर नाप से डालना। कभी भी कम मीठा सोडा डालेंगे तो आपके अच्छे फ्लफी नहीं बनेंगे, और बहुत ज़्यादा डाल दिया आप तो वो फटने लग जाएगा। तो इसीलिए नाप से डालें कभी भी। मार्केट में भी जब ये बनते हैं खामन ढोकला तो मीठा सोडा डाल के ही बनाया जाता है। यदि आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप इनो डालकर भी बना सकते हैं। ये हमने आधा टीस्पून मीठा सोडा लिया है। जैसे ही मीठा सोडा डालते हैं तो देखिए हमारे बैटर ये फूलने लग गए हैं। यहाँ मैं बता देती हूँ, पहले मैंने आपको बोला था कि साइट्रिक एसिड डालने का रीज़न क्या है। जो साइट्रिक एसिड के साथ जब मीठा सोडा रिएक्ट करता है तो बैटर ये फूलने लग जाता है। यदि आप साइट्रिक एसिड या नींबू नहीं डालेंगे तो इस तरह से फूला फूला नहीं बनेगा। अभी इसको हम ज़्यादा नहीं चलाना है, अच्छे से फूल गया ये। अभी इस बर्तन के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी जल्दी से इस बर्तन को हम इस पैन के अंदर रख देंगे, इसीलिए हमने लास्ट में इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया है। यदि हम पहले डाल देते हैं तो जाके इसके सेटल हो जाते हैं, फिर अच्छा फूला फूला बन के तैयार नहीं होता है। इसीलिए जैसे ही मीठा सोडा डालें उसको अच्छे से चला करके पकाने के लिए रखना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं पानी अच्छे से उबलने लग गया है। इस खामन को हम 15 से 17 मिनट तक इसी स्टीम में हम पकाएंगे। अभी ढोकला को पकते हुए लगभग 17 मिनट हो गए हैं। अभी इसको खोल के एक बार देख लेते हैं। देखिए ढोकला बहुत ही अच्छा फूल गया है, आप देख पा रहे हैं। इसीलिए हम बता रहे थे कि ढोकला कभी भी आप डालें बर्तन में तो थोड़ा उसको खाली रखें, क्योंकि फूल करके काफ़ी ऊपर आ जाता है। ढोकले का बेटर हमेशा थोड़ा कम डालें इसमें। अब हम बीच में से इसका इस तरह टूथपिक लेकर के या चाकू लेकर के आप देख सकते हैं, आँच को धीरे कर देंगे एक बार, और ये टूथपिक ले रहे हैं इसको हम बीचों बीच में डालेंगे। इस तरह से टूथपिक एकदम से क्लीन आई है। यदि इसके ऊपर कुछ भी घोल लगा हुआ आता है तो मतलब ये अच्छी से पक्का नहीं है। चाकू डाल के भी देख सकते हैं, ज़रूर नहीं आप टूथपिक डाल के देखें। चाकू से भी लगा हुआ आता है उसके ऊपर तो मतलब ढोकला आपका अच्छा नहीं पका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। अभी इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा ढोकला ठंडा हो रहा है तब तक इसके छौंक की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक बर्तन लिया है और गैस को धीरे आंच पर चालू कर देते हैं। अभी इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं, 1 टीस्पून इसमें हम राई डाल देते हैं, 1/4 चम्मच इसमें हम हींग डाल देते हैं। ये हमारी हींग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है इसलिए हम 1/4 चम्मच डाल रहे हैं। आपकी हींग स्ट्रांग हो तो आप थोड़ी कम डालें। अभी इसमें हम 3 हरी मिर्ची लिए, इसको लंबा लंबा काट लिए हैं, ये भी इसमें पका लेते हैं। हरी मिर्ची का टेस्ट इसके अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ हमने 10-15 कड़ी पत्ता लिए हैं, वो भी इसमें डाल देते हैं। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं कड़ी पत्ता। 1 टेबल स्पून इसमें हम शक्कर डाल देते हैं और 1/3 कप इसमें पानी डाल देते हैं। और पानी के उबाल का वेट करते हैं। आपके पास तिल हो तो आप तिल भी डाल सकते हैं इसमें। आज का तिल सबके घर में होता नहीं है, इसीलिए हम इसको सिंपल बना रहे हैं एकदम। इसमें जो भी चीज़ें हमने डाली है वो सभी के घर में आसानी से मिल जाती है। ये पानी का उबाल आ गया है, शक्कर देखिए पूरी इसके अंदर गल चुकी है। शक्कर के दाने पूरे गल जाते हैं, वहीं तक हमें पकाना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। अभी हमारा ढोकला ठंडा हो गया है और आप देख पा रहे हैं इसके जाली ऊपर तक भी दिख रही है। जैसे ठंडा हो जाता है तो साइड इसकी छोड़ने लग जाती है। देखिए आराम से साइड इसकी छूट गई है सब जगह से, और देखिए बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ। अभी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको हल्का सा टैप करेंगे। ये देखिए आराम से निकल गया। इसके पास बटर पेपर लगा देते हैं तो उसका आराम रहता है, ये आसानी से निकल जाता है। इसकी जाली आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर, देखिए और सॉफ्ट बहुत ही बना। देखिए देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ। देखिए ये 1 कप का बनाते हैं
उसके लिए हमारे को बर्तन है लगभग 6 से 7 इंच का लेना चाहिए, तभी ये साइज में लगभग 2 इंच के करीब बन के तैयार होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन लेंगे तो फिर वो इसकी थोड़ा पतला बन के तैयार होगा। अभी इसे हम काट लेते हैं। स्मूथली कट रहा है एकदम, आप देख पा रहे हैं साइड से मैंने बहुत पतला काटा है क्योंकि इसका हम चटनी बनाने में यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने इसको साइड में थोड़ा पतला काटा है। बहुत ही सॉफ्टली कट रहा है, देखिए कितना जालीदार बन के तैयार हुआ है, आप जाली देख सकते हैं, और बहुत ही स्पॉन्ज ये देखिए, दबाते हैं वापस अपनी जगह पर आ जाता है, दबाते हैं वापस अपनी जगह पर आ जाता है, बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट ढोकला बन के तैयार हुआ है। देखिए इसके अंदर कितनी अच्छी जाली आई है, दबाने से देखिए आराम से दब रहा है। अभी मैं शक्कर के भरा हुआ डब्बा रखती हूँ उसके ऊपर, देखिए वापस अपनी जगह पर आ गया, देखिए बहुत ही स्पॉन्ज अच्छा है इसमें, फुल भरा हुआ 1 किलो का डब्बा ही है, ये परफेक्ट ढोकला बन के तैयार हुआ है। ढोकला इस तरह से परफेक्ट बनना चाहिए। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1/2 कप लगभग धनिया लिया है, इसको साफ हमने धो लिया है। अभी इसमें हम 2 हरी मिर्ची काट के डाल देते हैं, बड़ा बड़ा ही काट के डालेंगे, 2 पीस में कर लिया है, और 1/2 इंच लगभग हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी 1/4 चम्मच के लगभग इसमें हम काला नमक डाल देते हैं, और 1/4 चम्मच इसमें हम सादा नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने पसंद के अनुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। अभी जो हमने खामन बना के रखे हैं, खामन के 2 पीस इसके अंदर डाल देते हैं, इसे चटनी बहुत अच्छी बनती है, ये खास तौर से गुजरात में इस तरह से बनाई जाती है, ये मेरे गुजराती फ्रेंड ने मुझे बताया था। अभी लगभग इसमें हम 1/4 कप पानी डाल देते हैं और इसे हम पीस लेते हैं। अभी इसमें हम 1/4 चम्मच जितना काला जीरा डाल देते हैं, ये पीसा हुआ जीरा है, भून करके हमने जीरे को पीस लिया है, वो जीरे का पाउडर डाला है हमने। इसी के साथ हम 1/2 नींबू का रस इसमें डाल देते हैं, जिससे अच्छा थोड़ी खटाई आ जाएगी इसके अंदर, और इसको वापस एक बार पीस लेते हैं। देखिए चटनी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है, अच्छी स्मूथ चटनी लग रही है, देखने में अच्छी लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह की चटनी खामन के साथ में खाई जाती है। अभी हमारा छौंक भी ठंडा हो गया है, अभी छौंक को इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर डाल देते हैं। ये डालने से क्या होता है कि जब हम खामन वगैरह खाते हैं तो गले में अटकता नहीं है, ये तो बहुत बार ऐसा होता है सूखी सूखी चीज़ जब खाते हैं तो गले में अटकने लग जाता है, गला रुंधने लग जाता है, तो इस तरह से ये डालते हैं तो फिर गला रुंधता नहीं है और तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी सभी के ऊपर थोड़े थोड़े हरे धनिया डाल देते हैं, धनिया आप टेस्ट के अनुसार आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। हमने वैसे हरे धनिया की चटनी भी बनाई है इसके साथ में ना, तो वो भी खाने में फिर अच्छी लगती है। आप थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर इस तरह से डाल दें। आपके पास यदि गीला नारियल हो तो उसको कद्दूकस करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं, वो भी इसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये खामन ढोकले की रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए YouTube पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।